अब मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास तो बहुत लोग आते हैं जो अपने जो सुंदर लगना चाहते हैं, खूबसूरत लगना चाहते हैं और फिट भी होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अलग से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्किन है ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर अंदर की हेल्थ, और वो इतनी ब्यूटीफुल, द बॉडी इज सो फॉरगिविंग कि आपकी एक हफ्ते में ही एक स्किन पे फर्क आ जाता है ग्लो का। और ये छोटे छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं कि कालापन स्किन में, या यू नो, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इंसुलिन, मोटापा हो रहा है, ये सब हो रहा है। और उनको आप खाली एक वेजिटेबल जूस पिलाओ तो उनकी स्किन, और ऑफ कोर्स एलिमिनेशन ऑफ द ट्रिगर फूड्स, वो बहुत ज़रूरी है। तो एलिमिनेशन करना ऑफ द ट्रिगर फूड्स, इम्प्रूवमेंट रिड्यूस, दैट इज रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूवमेंट विद द एंटी ऑक्सीडेंट्स विच आर इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो द डाइट विच यू मस्ट हैव इज़ वॉट वी कॉल द रेनबो डाइट। रेनबो डाइट में अलग अलग रंग, दैट इज़ द गोल, 7 कलर्स, एटलीस्ट 5 कलर्स एवरी डे, एंड फॉलो द हाफ प्लेट रूल। हाउ डू वी अचीव दैट? हाफ प्लेट रूल मतलब एटलीस्ट जब भी खाना सामने हो, आधी प्लेट हम पहले भरते थे चावल से, अब भरेंगे सब्जियों से, सलाद और सब्जी से, तो या उसको एक जूस फॉर्म में लिया। तो स्किन के लिए वेजिटेबल जूसेस, गुड फैट्स, एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक फैट्स, टेकिंग द राइट सप्लीमेंट्स। अब मैंने यही आपको शुरू में बताया कि इतनी डेफिशिएंसीज हम देख रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं, कि जितना ओबीस है उतना उसकी लेवल्स इतने कम है। इसका मतलब इतना ज़्यादा खाना खा रहा है लेकिन अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो वो भी बात कर। तो स्किन के लिए आपको न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी चाहिए, समटाइम्स मे बी थेरेप्यूटिक डोजेस देनी पड़ती हैं। और क्लीनिंग करें, बस सिंपल क्लीनिंग, अपने बॉडी को एक घर की माने, एक अपनी मशीन के माफिक देखें तो अंदर सफाई मांगती है। अब वो सफाई आपके लिए डिटर्जेंट्स क्या हैं, सारे जो कलर्स हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, पानी, लॉट ऑफ हाइड्रेशन, चाय कॉफ़ी थोड़ा कम, बंद नहीं करने की ज़रूरत, कम, और अच्छे स्पाइसेस खाएं। हमारे तो इंडियन में स्पाइस बॉक्स में कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, जैसे आपकी टर्मरिक हो गई, सारे मसाले अपने अपने उसमें हैं अपने। और ये बात सबको समझनी है कि एवरीबॉडी इज़ नॉट द सेम। वाई आर वी डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द गट माइक्रोबायोम, दिस इज़ आर सिग्नेचर। तो ये यूनिक है, आपका 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 मेरा सबका यूनिक है। इतनी आपको मैं, क्योंकि गट की बात कर रहे हैं, कि एक सिचुएशन हमारी इस स्टेज पे है लेबोरेटरी में एंड इवन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ये शुरू हो गया है कि किसी का गट फ्लोरा, फीकल, इसको बोलते हैं फीकल ट्रांसलोकेशन, उसको एक अनहैप्पी पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन और एक हैप्पी पर्सन उसमें इंटरचेंज कर दिया, तो वो हैप्पी पर्सन सैड बन जाता है और जो सैड है वो हैप्पी हो जाता हैप्पी है। हो जाता मोटापा बिल्कुल इसी की तरह, ओबीस एंड लीन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं तो वो एक्सचेंज करने से जो ओबीस था वो पतला हो गया और जो पतला था वो ओबीस हो गया, जस्ट बाय। सो दिस इज़ द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ द गट माइक्रोबायोम। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑन द स्किन, दैट न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, लुक एट द गट फ्लोरा, वॉट यू आर पुटिंग इन, हाउ यू कैन मेक योर ओन गुड गट फ्लोरा बाई ऑल्सो टेकिंग प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। जो हमारा प्रोबायोटिक्स का नाम सबने सुना है आजकल, क्यों इसकी रेलिवेंस हो गई? क्योंकि हमारा इंडिजिनस गट फ्लोरा बिगड़ गया, तो उसको हमको पिल फॉर्म में या लिक्विड फूड फॉर्म में वो देना है, नहीं तो प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर द गुड फ्लोरा, वो फाइबर्स हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड्स हैं, तो इन चीज़ों को लेने से, फर्मेंटेड फूड्स अब समझ रहा, मतलब जैसे केफीर हो गई, कम्बुचा हो गया, कांजी हो गई, इस किस्म की चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल थी बहुत, वो उनको, पिकल्स हो गए, उनको इस उसमें लाएं, खाने में लाएं, और वो एक ट्रेडिशनल फूड में होता ही था कि आपके पास सब्जियां भी हैं, अनाज भी है, ये भी है, सब कुछ होता था, लेकिन थोड़ा सा हमारा डेफिनेशन ऑफ फूड बदल गया। सो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, गुड हाइड्रेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट प्रोटीन एंड द राइट काइंड ऑफ ग्रेन चॉइस एंड एक्सरसाइज एंड योगा एंड मेडिटेशन एंड गुड स्लीप।
सो टू सम अप, हम कह सकते हैं कि वीट इज किलिंग अस एंड वी शुड यू नो ट्राई अदर फूड आइटम्स और अदर ग्रेन्स विच आर गुड फॉर द बॉडी. और दूसरा कि गट को हम हेल्दी रखें, और गट को हेल्दी रखने के सारे इशू ने आपको बताए हैं, तरीके बताए हैं. अगर ये दो चीज़ें आप कर लें तो इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, और सेहत अच्छी हो जाएगी तो कहते हैं ना कि तन चंगा मन चंगा. तो जैसा अन वैसा मन, ये कितने हजार साल पहले बोला था. और हिप्पोक्रेटिस, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ही सेड ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट. 2500 मतलब 2500 साल पहले बताया था ये, और अब हमें समझ आ रही हैं बातें. एंड इंसिडेंटली 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट्स, डिक्लेयर्ड बाय द UN. जी हाँ. तो एक इसमें रियलाइजेशन आई है कि हमने एक ही मोनोक्रॉपिंग करके ना केवल अपना हार्म किया है, इन्वायरमेंट का भी हार्म किया है. सो मिलेट्स इज समथिंग विच वी नीड टू ब्रिंग बैक एंड ईट ऑल्टरनेट ग्रेन्स एंड मेक द राइट चॉइसेस एंड हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फूड. फूड हमारी न्यूट्रिशन तो है ही, लेकिन एक हमारा एक रिश्ता भी है. तो मैं आपको चाहे कितना ज्ञान दे दूँ कि ये खाओ ये नहीं खाओ, लेकिन आपकी प्रेफरेंस जो है, बर्नर्ड शॉ, लॉर्ड जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हैड सेड, देर इज़ नो रिलेशनशिप, देर इज़ नो लव स्ट्रॉन्गर देन द लव ऑफ फूड. सो एक इसका भी एक फूड आपको पॉजिटिवली देखना है, और सारा टाइम लड़ना नहीं है विल पावर से. अच्छी चीज़ें खाएंगे तो ये कंट्रोल पैनल आपके फेवर में काम करेगा. और ये एक्चुअली हम देखते हैं, यू नो वी सी इट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. पेशेंट्स कम बैक एंड से क्रेविंग ही नहीं हुई, और वो 1/4 खा रहे हैं बाय द एंड ऑफ इट. आफ्टर 1 month ऑफ द डाइट दे आर ईटिंग लिटरली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे यूज टू ईट, बट दे आर फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक, बट देयर बॉडीज आर नॉट इन पेन, दे आर यू नो स्किन आर इम्प्रूविंग. एंड अब हमारे सामने कोई खोलता है तो हमको मन ही नहीं करता खाने का. तो ये रियल टाइम चीज़ें हैं.